जवाब। पृथ्वी के शुद्ध श्री शेषनाग, अरे पृथ्वी के शुद्ध श्री शेषनाग, सीता पृथ्वी से जाई है, सीता पृथ्वी से ही। लक्ष्मण है ना, वो शेषावतारी है, और शेष जो है वो पृथ्वी के पुत्र है। क्या रे, शेष जो है वो पृथ्वी के पुत्र है, और सीता भी जमीन से ही प्रकट हुई थी प्यारे, इसलिए लक्ष्मण और सीता बहन भैया भाई। और सुनो, पृथ्वी के शुद्ध श्री शेषनाग, पृथ्वी के शुद्ध श्री शेषनाग, सीता पृथ्वी से ज्याई है, लक्ष्मण यानी शेषनाग अवतारी लक्ष्मण किनके भैया हैं? राम जी के, रघुवर के भैया है। हे शेष लखनी रघुवर दाता, सीता हो जाई ऐसी भाई, सीता हो जाई ऐसी भाई। और शायद उस भजन में दूसरी पंक्ति है, रावण की कन्या सीता थी, रावण की कन्या सीता थी, जो रामचंद्र को ब्याही गई, जो रामचंद्र को, जब ससुर दामाद का रिश्ता था, जब ससुर दामाद का रिश्ता था, फिर बोलो लड़ाई कैसे भाई, फिर बोलो लड़ाई। अब कैसे सुनिएगा, रावण की कन्या सीता थी, जो रामचंद्र को ब्याही गई, जो रामचंद्र को, फिर धर्म अधर्म के चक्कर में, फिर धर्म अधर्म के चक्कर में, हाय देखो लड़ाई ऐसे भाई, हाय देखो लड़ाई। और शायद उस भजन में तीसरी पंक्ति है, जब हनुमान जी के कोई बालक नहीं था तो फिर बाप बेटा में लड़ाई कैसे भई, है ना, शायद यही पंक्ति है, मुझे ध्यान में नहीं है। तो ये अरदास आई थी तो मैंने सुना था जाकर के भजन के बराबर, क्योंकि मैंने सुना नहीं है भजन, तो इसका सुनिएगा। अब बाप बेटा में लड़ाई कैसे भई वो सुनो, जब पूछ बुलाई हनुमान, लंका
शंका जलाए के जब हनुमान समुद्र में पूछ बुझाई जाए के तो हनुमान के शरीर से जो पसीना था वो पसीना जैसे ही पसीना शरीर से गिरा तो एक मछली ने उस पसीना को मुंह में ले लिया। तो उससे वो मछली जो थी वो गर्भधारण कर गई। तो मछली से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मकरध्वज। प्यारे जब पूछ बुझाई हनुमान, जब पूछ बुझाई हनुमान, मकरी ने मकरध्वज जियाया है, मकरी ने मकरध्वज जियाया है। मछली से बेटा एक उसका मछली से बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मकरध्वज रखा। अब बाप बेटा में लड़ाई कैसे भाई? जो मकरध्वज अहिरावण के यहाँ पे पहरेदारी को काम कर रहा हो तो प्यारे पहरेदारी द्वारपाल को प्यारे तो अहिरावण जब राम जी को चुरा ले गया तो हनुमान जी गए थे तब बाप और बेटे में युद्ध हुआ। सुनिएगा लाल की। आइए दोलान का छोटा सा संकीर्तन सभी गुणगुण।